स्वागत है आप सभी का उदय क्लासेस में। आज क्लास 8 के बच्चों के साथ साइंस क्विज जारी है, तो चलिए क्विज कॉम्पिटिशन आगे बढ़ाते हैं। बताएंगे सिमरन जी, उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो प्रायः ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं? धातु। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं? अधातु। बताइए, धातुएं सामान्यतः किस रंग की दिखाई देती है? भूरे रंग की। नेक्स्ट बताएंगे, सोना किस रंग का होता है? पीला। बताएंगे जल्दी से कि धातुएं कमरे के ताप पर सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस। कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। एक मुलायम धातु का नाम बताइए। सोडियम। एक धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से काट सकते हैं? पोटेशियम। धातुओं में एक चमक होती है जिसे क्या कहते हैं? धातुई चमक। ध्यान से, धातुओं को पीट कर पतले चादर में बदल सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? धातुओं को खींच कर तार के रूप में बदल सकते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। धातु को किसी कठोर चीज से पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि बाहर आती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मकता। बहुत अच्छी तैयारी है, आगे बढ़ाएंगे। धातुएं सामान्यता ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक। धातुएं सामान्यता विद्युत की क्या होती है? सुचालक। आगे बढ़ेंगे, घरों में विद्युत तार बनाने के लिए किस तार को सबसे अच्छा माना जाता है? किसके तार को सबसे अच्छा तार माना जाता है? तांबा। नेक्स्ट बताएंगे, एक अधातु का नाम बताइए जो चमकदार होता है। एक अधातु जो चमकदार होता है? आयोडीन। धातुओं को पीटने पर वो चूर हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? भंगुर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम क्या है? हीरा। अधातु विद्युत की सामान्यता क्या होती है? कुचालक। अधातु विद्युत ऊष्मा की सामान्यता क्या होती है? कुचालक। एक धातु का नाम बताइए जो ठोस अवस्था में होता है। एक अधातु का नाम बताइए जो ठोस अवस्था में होता है? हीरा। एक अधातु जो द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन। एक अधातु जो गैस अवस्था में होता है? एक अधातु का नाम बताइए जो गैस अवस्था में होता है? ऑक्सीजन। बताएंगे, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड। बहुत अच्छा, शाबाश। आगे बताएंगे, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धातु का ऑक्साइड का प्रकृति या व्यवहार कैसा होता है? अम्लीय। क्या होता है गरिमा? क्षारीय होता है। सिमरन जी, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा चल रहे हैं, इसी तरह और मेहनत करते रहिए। बाकी बच्चों के साथ मिलते हैं अगले राउंड में।